हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और मैं यहाँ रखा हूँ ज़रा स्कूटी निकालने। तो स्कूटी निकालते हैं, देखते हैं मैं निकाल पाता हूँ कि नहीं। बिना स्टार्ट की निकालिए तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है, फर्स्ट टाइम तो है शायद। तो चलो निकाल के देखते हैं। एक तो एक खोलने हैं, आवाज़ करते बहुत ज़्यादा। ये भी खोलना पड़ेगा गाइस। चलो कहीं पे, मतलब मेरे को अब फोन अटकाना पड़ेगा इसको निकालते टाइम के लिए। सो गाइस, फाइनली निकाल दिए। पहला एक्सपीरियंस तो बहुत बेकार था भाई साहब, मतलब 5 मिनट तो लगे होंगे, 5 मिनट निकालने में, पर निकाल दिए। अब चला के देखो यार, पर एक हाथ से चला भी नहीं सकता ना मैं, मेरे दो हाथ से आफत बीतती है। तब देखते हैं गाइस, चला के देखते हैं, वहाँ तक चलाऊंगा आगे तक। चलो तो दिए गए सब, घर चलते हैं चाबी निकाल के। तो गाइस अभी जा रहे हैं हम चंबा बाल कटाने, और ये रानसुल, और अभी अक्षित भी आ रहा है, तो हम तीनों बाल कटाने जाते हैं चंबा। बस थोड़े से कटाएंगे, साइड से कटाएंगे जीरो, और यहाँ से एक कट मरा देंगे, मजा आएगी। और इसका मूड ऑफ हो रखा है क्योंकि इसको अभी डांट पड़ी है, और गाइस अंशुल को भी डांट पड़ी, तो शायद उसका मूड ऑफ हो रहा है। तो गाइस अक्षित भी आ गया, और अब हम चलते हैं चंबा। तो गाइस अभी बाल काट के आ चुके हैं, और कुछ ऐसे लग रहे हैं। और अब जा रहे हैं हम घर, जल्दी कट गए यार बाल, अब 1.5 घंटा होगा मैं यहाँ आए। यहाँ देखो गाइस, खड़ो खड़ो देखो गाइस, कौन आ रहा है, इसके कट लग गया तो सब खून आ रहा है। तो आपसे मिलते हैं घर में। तो गाइस फाइनली घर पहुंच चुके हैं, और कटिंग आप हमारी देख सकते हो, मैं शीशम देख रहा हूं आपको दिखाने के लिए। आई होप आपको पसंद आ रही होगी, अच्छी कटिंग है, पहली बार मतलब मैंने इस कट मराया है। और चलो अब बाद में मतलब खेले जाएंगे, तो वहां पे आपको दिखाता हूं, क्योंकि अभी मैं दूसरा ब्लॉग अपलोड करना है ना, उसको अपलोड करता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ भाई। गाइस बाल कटा के अभी मैं आया हूँ कॉलोनी में, और अभी मैं अपनी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जो कि अभी बहुत स्लो स्लो हो रही है, पता नहीं क्यों, वैसे रोज़ जल्दी जल्दी हो जाती है, आज स्लो चल रहा है शायद इसका नेट, तो अभी स्लो स्लो हो रही है। और अभी यहाँ पे मैं अकेला हूँ, अंशु लोग जा रखे हैं वहाँ कॉलोनी में खेलने, वहाँ बच्चों के साथ खेल रहे हैं, और मैं यहाँ अपनी वीडियो अपलोड करने पर लगा हूँ। अभी गाइस देखता हूँ कितनी अपलोड, 2 GB में से 54 MB अभी तक अपलोड हुई है बस, और वो रैंसुल और वहाँ खेल रहे हैं। तो जैसे अपलोड होती है उसके बाद आपसे मिलता हूँ गाइस। तो गाइस यहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे हैं पिट्ठू, और हम भी इन्हीं से अभी पिट्ठू खेलेंगे, और अंशुल जा रखे बॉल लेने घर, थोड़ी देर में फ़ोन चार्ज लगा दूंगा अभी घर जाके, तब से मैं ब्लॉग कंटिन्यू करूँगा, आया नहीं अभी तक। मिली बॉल बे गवाणिया, बॉल
तो गाइज अभी हमने अगले दिन और अभी छत में हम लोग, मैं अंशुल और अक्षित, और हम खेल रहे हैं पोकेमोन कार्ड्स, जिसमें सात सात कार्ड मिलते हैं। एक ज्यादा साइड में, एक दो तीन चार पाँच छः सात ही तो हमें। गाइज देखते हैं हम पे कैसे कार्ड हैं। और गाइज इनमें स्टोन में सीजर बन रखा है, ये देख सकते हो आप, ये रहा। तो इसके दम पे मतलब इसके इसमें हम खेलते हैं कि हाँ अगर स्टोन आया तो ये पेपर आया तो वो जीतेगा, ऐसा होता है। चलो मैं आपको सारे रूल्स बता देता हूँ। चलो सबसे पहले यही कार्ड रख लेता हूँ, ये वाला। आप लोगों ने तो गाइस देख लिया कि उसमें क्या आया है, देखते हैं कौन जीतता है। चल पलटो भाई, स्टोन कैची स्टोन, अंशुल गया। अंशुल बाहर, हम अपने पास रखेंगे तेरा कार्ड बाहर। वैसे जैसे मतलब जो हार जाता है ना अपना कार्ड साइड रखना पड़ता है, जैसे उस पर जीरो जाएंगे इसके अलावा पूरे गेम से बाहर। तो अभी हम पे हैं, इस बार मेरे पास एक आइडिया है, ये वाला लेंगे हम, इस बार ये वाला। गाइस ये वाला रखेंगे हम, ये वाला दिख रहा है टॉप में। चलो भाई पलटो, सीजर पेपर पेपर दोनों बार। गाइस ने बोलता ना मेरा आइडिया इसका भाई। चलो यार मैं खुद भी ना देख रख रहा हूँ इस बार। थ्री टू वन पलट भाई, पेपर पेपर पेपर। गाइस मैं बाहर हो चुका हूँ, मैंने बिना देख रखा यार तब। चलो भाई पलटो, सीजर तो गाइस मैं ये रखता हूँ, मुक्का मुक्का पड़ेगा हाथ। हाँ देख रहे मतलब मेरे पर कितने कार्ड्स होंगे, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच छः कार्ड रखे हैं। मेरे पास एक ऐसा प्लान है कि मतलब मुझे लग रहा है कि ये दोनों ला सकेंगे तो मैं उसे काट सकता हूँ। मैंने गाइस बोला था ना मेरा एक प्लान है। अरे मुक्का ला गया, मैं काट गया भाई, मैं इस गेम में एक्सपर्ट हूँ। गाइस ये रखते हैं, अरे ये वाला रख रहा हूँ मैं, मतलब मेरे पास बहुत अच्छी ट्रिक्स आ रही हैं यार। पेपर पेपर कैच, अबे यार ये मेरे पे एक लौटा था। यार मुक्का 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 सब गए वक्त बार। तो गाइस अक्षित बाहर हो चुका है, दो कार्ड से क्या ही उखाड़ूंगा। अब मेरे पास एक कार्ड में ना ये ना उस पे उखाड़ सकता है मेरे को। मुक्का
गाइस दूसरा रख दिया है। अबे हट रुक जा, दोनों मुक्के इधर पे। हाँ कि ना, मेरे पे तीनों मुक्के हैं। तो अक्षित डिस्ट्रीब्यूट करेगा। मेरे पे कैची है मुक्का बस। हाँ तो तू ही हारेगा ना तब। क्यों हारूंगा? कैची वाले में तो हारेगा। तो एक ही तो बचे, फिर मुक्का तो बच ही रहा है। हाँ तो दोनों हार जाएंगे तो मैं जीत गया। मेरे ज्यादा कार्ड है। तू जो ना बिना देखे, मतलब बिना देखे नहीं सब बांटने। नहीं तीन कार्ड इसको देने, तीन मेरे को, एक स्टोन मेरे को। ना 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 ना, ऐसा नहीं, कोई भी वो नहीं, खत्म नहीं होता यार। तेरी मर्जी, चल बिना देखे दे। एक इसको, एक इसको, एक इसको, तीन तीन। अबे यार गाइस देख रहे हो मतलब कैसे कार्ड आए। मैं हार भी सकता हूँ क्योंकि देखो क्या है इसमें। देखो इसमें ये आया है और इसमें ये, इसमें ये रख दिया मैंने। अक्षित रेफरी ना अभी हारते हुए रेफरी जा रहे। और यहाँ पे मैं जीत चुका हूँ पहला राउंड। अबे यार नहीं हो वैसी, सारे एक जैसे आए हो गाइस। अबे उसने तेरे को फंसाने के लिए बोला। मेरे पे ही नहीं है। अब फंस भी क्या तू ले, क्या तेरे पे यही है बस। जीत गया। मैं जीत गया गाइस यहां पे। फिर भी सेम आ रहा है कि ना जाओगे तो गाइस जी मैं। तो गाइस आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट करो। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बाय।